हेलो फ्रेंड्स, आई एम वरुण अग्रवाल एंड स्वागत है आपका पहचानो अपनी दुनिया में। आज आपके साथ नए टॉपिक भरने से पहले एक जस्ट दो मिनट के लिए आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था आलोक। उसको पिज्ज़ा खाने का बहुत शौक था। वो वीक में कम से कम 3 से 4 टाइम वो सिर्फ पिज़्ज़ा खाता था। बहुत अच्छा लगता था उसको पिज़्ज़ा। सो इसलिए मैंने उसे एक टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा, तुम इतना पिज़्ज़ा क्यों खाते हो? एज वी नो लाइक द पिज़्ज़ा एक फास्ट फूड होता है और बायोलॉजिकली उसमें जंक फूड बोलते हैं, जिससे मतलब कोई आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलते। सो क्योंकि उसका पेट भी बहुत आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जब वो फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो पेट भी आगे बढ़ता चला गया। तो उसने मुझे एक बात बोली कि जिंदगी एक ही बार तो मिलती है, अब उसको भी हम ये सोचने में लगा दे कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या रहे क्या नहीं रहे, तो जिंदगी जीने का क्या मजा। फिर मैंने उसे बोला, पता है हमें जिंदगी एक बार मिलती है बट जिंदगी बहुत मुश्किलों से मिलती है, तो इसलिए हमें उस जिंदगी को सही रास्ते पे लेके जाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे। फिर उसने मुझे एक ऐसा आंसर दिया जिसके बाद शायद मैं निशब्द हो गया, स्पीचलेस हो गया। ही सेड कि उसने सुना था कि खाना वही चाहिए जो मन को अच्छा लगे, तो मुझे बहुत पिज्जा बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं पिज्जा खा रहा हूँ और वो पिज्जा मेरी हेल्थ को भी अच्छा रहेगा। अब उन्हें कौन समझाता है कि वो चीज़ मन को अच्छी नहीं लग रही, उसकी टंग को, उसकी जो सलाइवरी जो आपके सलाइवा ग्लैंड्स हैं उनको अच्छी लग रही है, उनके टंग को अच्छी लग रही है, मन को अच्छी नहीं लग रही। बट ओके, जब इस बात के शायद इसका आंसर मेरे पास उस वक्त कोई था नहीं, क्योंकि मुझे पता लग गया कि जब शायद समझाना कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर कुछ समय पहले मुझे वो मिला दोबारा, एक हॉस्पिटल से आ रहा था कुछ मेडिसिंस को के साथ में। मैंने उससे पूछा, किस चीज़ के मेडिसिंस तुम्हें लेके आ रहे हो? उसने बोला उसको बीपी का प्रॉब्लम हो गया। वो मैंने पूछा कैसे, कहता पता नहीं शायद टाइम ख़राब चल रहा है ना, आज के टाइम में देखो कैसा इन्वायरमेंट हो चुका है, कुछ पता ही नहीं चलता कब बुरा समय आ जाए कब कोई चीज़ बिगड़ जाए, तो मुझे बीपी हो गया। तो मैंने उससे पूछा, इतनी कम एज में तुम्हें बीपी हो गया? तो कहते हाँ हो गया। तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा आपसे? डॉक्टर ने बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है, होता रहता है आज के टाइम में तो बीपी। कुछ मेडिसिंस दी उसको और बोला लेते रहिएगा और थोड़ा कुछ चीज़ों से परहेज रखिए जिससे आपको ब्लड प्रेशर ना क्रिएट हो। तो मैंने उससे अगेन पूछा, अच्छा डॉक्टर ने ये बताया कि किस रीजन से तुम्हें बीपी हुआ इस कमीज में? कहते ही फिर उसने मुझे बोला, अरे ये जान के मैं क्या करूंगा भाई, बोला ना टाइम खराब चल रहा है, तो क्या करें आज के टाइम में, टाइम ही ऐसा है ना। तो मैंने कहा भाई पूछना तो चाहिए ना डॉक्टर से कि क्या रीजन है जिसकी वजह से मुझे बीपी हुआ है, चलो मेडिसिन तो ट्रीटमेंट है। उसने बोला देखिए अब इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि अब मुझे जॉब भी करनी है फैमिली भी संभालनी है, अब इतना किसके पास जानने के लिए समय रहा कि किसकी वजह से मुझे बीपी हुआ, हो गया तो हो गया, अब डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है मैं ले लूँगा सही हो जाऊँगा, फिर क्या प्रॉब्लम है। अब इस पॉइंट पे दो लोगों का काम हो गया, डॉक्टर को कंसल्टेंसी फीस मिल गई, उसने अपनी मेडिसिन दे दी और वो जो मेरा दोस्त था आलोक वो भी खुश हो गया, भाई ठीक है उसको मेडिसिन मिल गई तो अब वो ठीक हो जाएगा। ये एक छोटी सी स्टोरी पे ही हमारा एक नया टॉप ये हमारा नया टॉपिक है। जैसे आपने टाइटल देखा ही होगा, द टाइटल है हमारा लाइक द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइट फूड। हम जब फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे या उससे भी लाइक छोटे वाले स्टैंडर्ड में थे, तो हमारा एक चैप्टर आता था साइंस में जिसका नाम था न्यूट्रिशनल फूड। ओके, एक ऐसा खाना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, उस न्यूट्रिशन में हमें ये भी पढ़ाया जाता था कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना लिपिड होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ओके, उस वक्त हम क्या करते थे बचपन में, अच्छे से याद कर लेते थे, अच्छे से रट लेते थे बस, और जब कभी क्वेश्चन आता था तो जितना बुक में भी नहीं लिखा होता था उससे ज़्यादा तो हम लिख के आते थे, बट उसको लाइफ में कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। हाँ याद है, पूछो अभी पूछो कितना चाहिए लिपिड बता देंगे, प्रोटीन कितना चाहिए अभी बता देंगे, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए अभी बता देंगे, सब याद था A to Z हर चीज याद थी, लेकिन हम उसको लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते।
जस्ट इसी की वजह से हम इसको इग्नोर कर जाते हैं. हम हाई स्पाइसी फूड, जंक फूड और भी बहुत टाइप के फूड को हम लाइक हाई ऑयली फूड बहुत टाइप के फूड को हमारे जो कि हमारे सलाइवा को अच्छे लगने लग गई है हम उसको यूज़ करते हैं. और फिर जब कुछ प्रॉब्लम होती है हम समय को गालियाँ देने लगते हैं. कहते हैं समय खराब है ना. समय कभी कोई खराब नहीं होता, समय खराब किया जाता है. ओके सो आज के टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फूड, उसी को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं. और हम क्यों इग्नोर करते हैं? बिकॉज शायद उसके लिए सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है. हमारा एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि हमें क्या खाना है. सुबह उठेंगे सुबह उठने के बाद हमें ब्रेड दूध लेंगे और शायद कुछ स्टेट वाइज सबका ब्रेकफास्ट भी डिफरेंट होता है. लाइक अगर आप राजस्थान दिल्ली में रहते हैं देन वहाँ पे उनका फूड लाइक नमकीन ब्रेड पराठे भी कभी कभी होता है. पंजाब साइड जाएंगे तो वहाँ पराठे होता है. वैसे आप यूपी साइड में आएंगे तो वहाँ पे जनरली समोसे कचौरी ये आइटम्स होते हैं. अब जब गुजरात साइड या महाराष्ट्र साइड आएंगे तो वहाँ फूड थोड़ा और ही कुछ डिफरेंट हो जाता है. लाइक वहाँ पे गाठिया जलेबी ये फूड वो जनरली प्रेफर करते हैं. अब जब हम नीचे और थोड़ा साउथ की साइड जाएंगे तो वो लाइक ब्रेकफास्ट में डोसा वगैरह राइस यूज़ करते हैं. बंगाल साइड में जाएंगे देन दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द राइस. वैसे ही उनका लंच और डिनर सब कुछ ऑलरेडी सेट होता है. ओके एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि इसी जो एजुकेटेड लोगों को नहीं पता होती, उन्हें पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं और उसे क्या हमें मिल रहा है. बट शायद समय के अभाव में शायद हम उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे पाते और अपने फूड को की फूड के लेवल को डिसाइड नहीं कर पाते. और ये सब इग्नोरेंस की वजह से ज़्यादा होता है. ऐसा नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है, बट ये मोस्ट ऑफ चीज़ होती है इग्नोरेंस की वजह से. एक एजुकेटेड इंसान भी समझता है कि उसे क्या लेना चाहिए बट वो नहीं ले पाता, इग्नोर कर जाता है. क्योंकि आज के टाइम में लोग जनरली मनी के पीछे पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं. टाइम नहीं होता खाना टाइम पे खाना खाने का, सही खाना खाने का, जो मिला वो खा लेते हैं. और उसकी वजह से अब क्या क्या प्रॉब्लम होती है. अगर आपका एक सही फूड डिसाइडेड नहीं है, उसमें अगर सभी कंटेंट प्रॉपर अमाउंट में डिसाइडेड नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. जैसे मैं आज उन प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ कि एक जिस चीज़ को हम बहुत मामूली चीज़ मानते हैं कि एक न्यूट्रिशनल फूड कोई हम जो मामूली चीज़ मानते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि कौन खाएगा ये चीज़ें, उस इग्नोरेंस की वजह से आज जो जो प्रॉब्लम हो रही हैं, जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही हैं, वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ. उन प्रॉब्लम का साइंटिफिक रीज़न क्या है, वो किस उन कमी की वजह से, एक डाइट फूड ना होने की वजह से कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है. वी नो लाइक हमें जब प्रॉब्लम होती है तो हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं, बट वॉट इज़ द कोज ऑफ दैट प्रॉब्लम, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. वो जो जनरल प्रॉब्लम है, जो जनरल प्रॉब्लम है उनके साइंटिफिक अवेयरनेस आपको देना चाहता हूँ. जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम कैंसर का. ये एक वाइडली स्प्रेड प्रॉब्लम है. आई कैन नॉट से डिजीज, दिस नॉट ए डिजीज एक्चुअली. आपने सुना होगा स्मोकिंग इज अ कॉज ऑफ द कैंसर, बट आप बताइए जिनको जो स्मोकिंग नहीं करते हैं क्या उनको कैंसर नहीं होता है? जो ड्रिंक नहीं करते हैं, जो अल्कोहल नहीं लेते हैं, जो गुटखा नहीं लेते हैं, जो निकोटिन नहीं लेते हैं, जो तंबाकू नहीं लेते हैं, क्या उनको कैंसर नहीं होता है? होता है. तो इट मींस कहीं ना कहीं तो कोई फैक्टर है, जो अदर फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है. ओके अब कभी किसी अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कभी ऐसा कोई हॉस्पिटल विजिट करना पड़े, मैं आशा करता हूँ कभी आपको कभी ऐसा कुछ ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली या आप कभी जस्ट किसी कैंसर स्पेशलिस्ट ऑनकोलॉजी के डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए कि जिनको पर्सन जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, जो ड्रिंक नहीं करते, उनको कैंसर क्यों हो रहा है. वो आपको बताएंगे बेटा
आज के टाइम में स्मोकिंग अगर उसका रीजन 20% कैंसर की वजह से होता है और 20% ऑफ कैंसर ओनली केवल और केवल होता है एक प्रॉपर डाइट के ना मिल पाने की वजह से, जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद हम कहते हैं कि टाइम खराब आ गया। और एक बार अगर अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम किसी को हो जाए, उसके बाद पता है कि क्या क्या सिचुएशंस सामने होती हैं, शायद उसका बचपाना भी बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो बच गया देन उसकी पूरी लाइफ टाइम उसको ये डर होता है कि ना जाने कब उसको दोबारा से कैंसर हो जाए। और साथ में उसके जो पेरेंट्स, उसके फ्रेंड, उसके वेल विशर्स को उससे भी ज़्यादा परेशानी होती है, बिकॉज वो उसको उसकी हालत में नहीं देख पाते। ये बेसिकली है कैंसर के बारे में। अब इसके अलावा भी बहुत सारी और आज के टाइम में जिसको हम नॉर्मल डिजीज बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर लाइक छोटी सी डिजीज मानते हैं, ये तो होता ही है। हम एक्चुअली अगर आप पूछेंगे ना किसी नॉर्मल इंसान से, बोलेंगे ये डिजीज तो होती ही है, एज के साथ होती है। वी नो लाइक ये डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी एज के साथ बढ़ जाती है, बट लेकिन अगर आप उसको किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर पाते, तो क्यों नहीं कर सकते? दैट वी शुड डू, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर हम उन चीज़ों को सिर्फ एक पर्टिकुलर डाइट लेने के साथ में अगर उसको हम कंट्रोल कर पाए तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। सो मैं आज आपसे उसी बारे में आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसका टॉपिक का नाम रखा पहचानो अपनी दुनिया, कि आप अपने दुनिया के बारे में जानिए, ये इसमें बहुत कुछ है, कुछ नहीं छुपा इसमें, बहुत कुछ है, तो प्लीज़ जानिए इसकी दुनिया के बारे में। और एक चीज़ और, मैं कुछ साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करूँगा तो प्लीज़ उनको देख के इसको स्किप मत कर दीजिएगा या इसको वीडियो क्लोज मत कर दीजिएगा। ये मैं बहुत आशा के साथ मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत आशा है आपसे कि इन चीज़ों को प्लीज़ आप समझिएगा। मैंने भी समझा, जब मैंने इस चीज़ के बारे में जाना तो मैंने भी समझा और मुझे बहुत फील हुआ कि क्या चीज़ हम एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ न्यूट्रिशन फूड का रिलेशन हमारे वीकनेस स्ट्रांगनेस से नहीं होता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, चलो आपसे अब आगे का हम डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम लाइक कोई कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर डायबिटीज हो, ये अपने आप नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर खड़े हो और सडनली कैंसर आ गया, बीपी आप बाहर खड़े हो सीपी आ गया, आप कहीं मार्केट में गए सडनली डायबिटीज आपसे आके मिल गया और आपको हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम होती हैं, ये डिजीज हैं होती हैं, ये शरीर में कहीं ना कहीं रॉन्ग मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, मतलब कहीं हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से ये सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा एक मूवी में, केमिकल लोचा, ये वही केमिकल लोचा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसलिए कभी कोई सडन नहीं होता, कि कोई प्रॉब्लम सडन नहीं होती, हर चीज का एक रीजन होता है, वही रीजन चलो आपसे हम डिस्कस करते हैं आज। ओके ओके, ये सामने आपको कुछ अजीब व गरीब सा डायग्राम लग रहा होगा, मैं मानता हूँ कि जो साइंस के स्टूडेंट है शायद उसको देख के समझ में भी आ जाए, और जो साइंस के बारे में नहीं जानते या फिर जो हमारे एजड लोग हैं या फिर जिन्होंने कभी उसके बारे में नहीं पढ़ा, जो एक्चुअली साइंस को बिलोंग नहीं करते, शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे क्या चीज़ है। मैं आपको एक नॉर्मल से बारे में बता देता हूँ, बिकॉज मुझे इनके बारे में समझाने ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी साइंटिफिक अवेयरनेस को बढ़ाना है। ओके, देखिए कुछ बॉडी में मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म के बिगड़ने की वजह से ये प्रॉब्लम होती हैं। अब वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे बिगड़ता है एग्जैक्टली ये है क्या, ये आपको दिख रहा है, ये प्लीज़ इसको जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको छोड़ भूलिए ये भी, इसको देखिए। ओके, ये इसको बोलते हैं हम सेल, और हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ओके, शायद आपको याद आओ, देखिए हमारा हर एक ऑर्गन, हमारा हर एक स्ट्रक्चर और फंक्शन जो आज है वो इसकी वजह से, इसकी यही रिस्पॉन्सिबल है सेल की वजह से।
हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर जो चलता है, जो फंक्शंस होते हैं, वो सेल के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। ये वो स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट है। अब इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया, अब ये हम थोड़ा सा जूम स्ट्रक्चर पे आ गए। देखिए एग्जैक्टली सेल को जूम करने पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा बहुत मुझे चेंज करना पड़ा उसको। आपको ये दिख रहा है ऊपर, ये बलून टाइप के, ये बड़े जो बलून 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 है, ये जो बलून टाइप के दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली ये जो बलून है, सबसे पहले इन बलून को देखिएगा, ये जो बलून है ये सेल की लेयर है, ये दिख रहा है आपको, ये सेल की लेयर है, ये दिख रहा है, ये पूरा सेल का लेयर का बना हुआ। एक्चुअली ये सर्कल में होता है, ये जो बलून्स है एक्चुअली ये सेल की लेयर होती है, ये बनी होती है लिपिड से, ये बनी होती है लिपिड से, लिपिड मतलब वसा, जो ऑयल में होता है ना आप यूज करते हैं, वो उन लिपिड से वो बनी हुई, वो एक्चुअली उस लिपिड से नहीं बनी हुई, ये एक नेचुरल लिपिड से बनी हुई होती है। ओके, ये सेल का वो अपर लेयर है, साइंटिफिकली हम उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और हिंदी में बोलते हैं कोशिका आवरण। समझ में आ गया? तो ये दो लेयर होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब इतना समझिएगा, अभी दो क्यों होती हैं, इसका ऐसा बलून क्यों बना हुआ है, ये प्लीज अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, बट वो भी इतना फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम ये दिख रहे हैं आपको, अब हम थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं। ओके, अब मान के चलो हम थोड़ा सेल के अंदर घुस कर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं अंदर की साइड में, जैसे आप होते हैं ना, हमारे ऑर्गन है, हाथ है, ये है, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हैंड है, वैसे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कोशिकांग बोलते हैं हिंदी के अंदर, वैसे ही। और साथ में सेंटर में होता है एक, सेंटर में होता है डीएनए। आपने बहुत बार सुना होगा, आपने मूवी में सुना होगा डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली मैं कभी कभी मूवीज के नाम इसलिए लेता हूँ ताकि हम जनरली अवेयरनेस पहुंच जाते हैं, हम बुक से ज्यादा मूवीज के वर्ड्स को ज्यादा याद रखते हैं। इसलिए ये जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज अ कॉल द साइन ऑफ द लाइफ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आज आपका जो ओरिजिनेशन है, आज आपकी जो फैमिली ग्रो कर रही है, आज आप जो जिस स्टेज पे खड़े हैं, आज आपका जितना बड़ा परिवार है, वो सब इस डीएनए भाई साहब की वजह से है। तो इस डीएनए भाई साहब को इसलिए पहले प्रणाम कीजिएगा कि आज इनकी वजह से ही आपका इतना बड़ा परिवार है, आज इनकी वजह से ही एक सिंगर का बेटा सिंगर होता है, इनकी वजह से ही एक पहलवान का बेटा पहलवान होता है, इनकी वजह से ही एक प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब अंदर की तरफ आते हैं, ये हमारा डीएनए भाई साहब है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बेसिक यही इतना समझ लीजिएगा, ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है आगे, जैसे हम सांस लेते हैं, सबको पता है हमने ऑक्सीजन ली, सबको पता है प्राणवायु इसे बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। अब ये जो O2 है हमारी बॉडी के अंदर जाती है, अब जब O2 हमारी बॉडी के अंदर जाती है सो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करती है, बहुत सारी केमिकल क्रियाएं करती है, रासायनिक क्रियाएं करती हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, समटाइम द केमिकल रिएक्शन अकर इन द चैन वे, मतलब वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करती हैं, जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है और वो CO2 हम बाहर निकालते हैं। सुन मैं मतलब अब सबसे एक्चुअली जो मेरा मेन फोकस है वो है केमिकल रिएक्शन पे, केमिकल, मैं उस केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं आपसे पढ़ाना चाहता, वो मैं नेट में पढ़ाऊंगा। ओके, डोंट वरी, वो मैं नेट में पढ़ाऊंगा। ओके, केमिकल रिएक्शंस करती हैं। अब उन केमिकल रिएक्शन से होता क्या है, जब कभी कभी जब वो केमिकल रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन की, मतलब सांस लेने की, जब केमिकल रिएक्शन इस सेल के अंदर होती है, तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, लिसन बेटा, उस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से, मैं तो यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे आपको समझाना थोड़ा और आसान हो जाए, उस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से, जैसा लिखा हुआ है ना केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ लिखा ही हुआ है केमिकल रिएक्शन अगर, या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अब उस केमिकल रिएक्शन के बनने की वजह से इन बिटवीन ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन एक केमिकल बनता है जिसका नाम होता है सुपर ऑक्साइड आयन। गॉट इट?
सुपर ऑक्साइड आयन, ये नेचुरली बनता ही है बीच में. एक्चुअली ये सुपर ऑक्साइड आयन बहुत डेंजरस है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ये खत्म कर देता है बहुत चीजों को. मतलब अगर ये सुपर ऑक्साइड आयन कह सकते हो बीच में एक बनने वाली प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम सेल के अंदर बनती है तो सेल उसको खत्म भी करती है, ये बीच में बन जाता है. जैसे होता है ना कभी कभी हम कुछ क्या कहते हैं कुछ ऐसे एक पेरेंट्स के चार बच्चे हैं, तीन अच्छे हैं एक बेकार है, मतलब बेकार इट मीन्स उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो ऐसी प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही इसके लिए अरेंजमेंट होता है. अब वो अरेंजमेंट क्या होता है, मैंने बोला ना एक प्रॉब्लम है, ये अरेंजमेंट होता है. और इस अरेंजमेंट क्या होता है, वो अरेंजमेंट होता है इसको ख़त्म करना. और इसके लिए हमारी बॉडी में एक बेस्ट एंजाइम होता है सुपर ऑक्साइड डिस म्यूटेस. ओके, डोंट वरी, उसका नाम याद नहीं करना, बस ऐसे सुनिए कुछ है. मतलब है, कहने का मतलब है ये दुश्मन है और इसको ख़त्म करने के लिए ये सोल्जर है, ठीक है, ये एक टेररिस्ट है. इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमारे गार्ड्स हैं जो हमारे हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं. जैसे ये आया ख़त्म, ओके, जैसे ये आया ख़त्म, तो उसको ख़त्म कर देते हैं. तो एक बार इसको जरा नोट कर लूँगा मैं, यहाँ पे नोट कर देता हूँ, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस एंजाइम. एक्चुअली एंजाइम होते हैं, ओके, मैं यहां से इसको रब कर देता हूं, थोड़ा बड़ा हो गया अभी. सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस, ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज. अब क्या होता है, जब ये सुपर ऑक्साइड म्यूटेस जब ये सुपर ऑक्साइड आयन के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, ये आया, इसने इसके साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद में इस सुपर ऑक्साइड आयन को, ओके, सुपर ऑक्साइड आयन को कन्वर्ट कर दिया S2O2 में, जिसका मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड. आप शायद घर में यूज करते होंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, मार्केट में भी मिलता है, लेकिन वो जो मिलता है मार्केट में डाइल्यूटेड होता है, एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में नहीं होता. बट यहाँ जो बनता है वो प्योर फॉर्म वाला बनता है, बहुत डेंजरस है, याद रखिएगा. अगर आपके स्किन के पे भी गिर जाए ना तो वहाँ पे व्हाइट डॉटेड कर देता है. इवन जो आपके स्किन पे जो गिरता है वो भी प्योर नहीं होता, वो भी अराउंड 60-70% होता है, और ये जो बनने वाला है तो बहुत ज़्यादा प्योर है. लेकिन ये ओके, तो इसने क्या किया, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस ने कन्वर्ट कर दिया इसको, सुपर ऑक्साइड रिएक्ट किया इसके साथ में और कन्वर्ट किया H2O2 में. देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कन्वर्ट किया तो ये तो खतरनाक केमिकल क्यों बना दिया. देखिए, ये सुपर ऑक्साइड आयन डेंजरस होता है, H2O2 भी डेंजरस होता है, बट कंपेरेटिवली सुपर ऑक्साइड आयन कम डेंजरस होता है और H2O2 ज़्यादा डेंजरस होता है. तो उसको कन्वर्ट करके उसे कम डेंजर वाले केमिकल में कन्वर्ट कर दिया. गॉट इट? अब H2O2 बन गया, मैंने बोला ना बहुत डेंजरस होता है, मैंने पहले बोला ये बहुत डेंजरस होता है. अब H2O2 मैंने बोला बहुत डेंजरस होता है. अब वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एक और एंजाइम होता है कैटालेज एंजाइम होता है जिसको कन्वर्ट करता है H2O+1O2 में. ओके, द नॉट इंपॉर्टेंट पोर्शन, मतलब उसको शांत कर देता है. सिंपल से मतलब है, इसने इसको शांत कर दिया और इसने इसको शांत कर दिया, मतलब खत्म प्रॉब्लम. ये भी एक दुश्मन आया, हमारे दूसरे सोल्जर हमारे पास थे, हमारे पास दो सोल्जर है यहाँ पे, एक तो सोल्जर है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस और दूसरा सोल्जर है हमारे पास में कैटालिस. ये दो सोल्जर है हमारे, ठीक है, दोनों ने दोनों अपना अपना काम किया और किल कर दिया. समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड. नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, तो ये दो सोल्जर्स हैं हमारे. अब ये सोल्जर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, अब उसको जानना जरूरी है. देखिए, ये तो होता है बॉडी के अंदर नेचुरली, मतलब ये भगवान ने सब कुछ सेट किया हुआ है. सुपर ऑक्साइड आयन बनेगा ही खत्म करने के लिए है, H2O2 बनेगा ही, इसमें आपकी गलती नहीं है. ओके, पहली बात आपका सोच रहा है कि अच्छा हम ना खाने के H2O2 बनता है, ऐसा कुछ नहीं, बनेगा ही, लेकिन उसकी वजह से कैटालिसिस को खत्म करके रिएक्शन को ओवर कर देता है. ओके, अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है,
वो जानने की ट्राई करिए। मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा बना दूंगा। पहले हम अपने पहले सोल्जर के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये प्रॉब्लम बनेगी तो उसके लिए है। अभी होता क्या है, ये बेटा कोई भी एंजाइम बना होता है प्रोटीन से, प्लस कुछ कोफैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। सेम हर एंजाइम प्रोटीन से बना होता है और कुछ कोफैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोटीन से बना होता है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी कोफैक्टर क्या होते हैं बाद में बताऊंगा, प्रोटीन सब जानते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल, आपके फूड के अंदर प्रोटीन ही नहीं है। आप सोचिए, आपके फूड के अंदर प्रोटीन ही नहीं है तो ये एंजाइम कैसे बनेगा भाई साहब? आपके फूड के अंदर एंजाइम प्रोटीन ही नहीं है तो ये कैटालिस्ट कैसे बनेगा? अब दूसरा आते कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर कोई भी हो सकते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। क्लियर? ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। तो कुछ कोफैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लाइक विटामिन, सुना होगा बिल्कुल आपने, और कुछ मिनरल्स जैसे Fe+2 होता है, Mg+2 होता है, ओके, इसके अलावा जिंक होता है, बहुत सारे और भी, Cu+2 होता है। ये बहुत सारे कोफैक्टर्स हैं जो जरूरी हैं। चलो मान के चलिए प्रोटीन हमारे पास नहीं है तो एंजाइम ही नहीं बना। चलो हमने प्रोटीन भी ले लिया, चलो हम बड़े खुश हैं, वाह, वी आर टेकिंग प्रोटीन। बट बेटा, जब ये इसको एक्टिवेट करता है, जब तक ये इसके साथ में नहीं जुड़ेगा ये एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं होगा। अगर आपके बॉडी में विटामिन नहीं है तो एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो काम कैसे करेगा? तो प्रोटीन लेके भी क्या करोगे? अगर आपके फूड के अंदर ये मिनरल्स नहीं है, अगर आपके वाटर में मिनरल्स नहीं है, जिसे हम डिजॉल्व सॉलिड्स बोलते हैं, ठीक है, अगर आप वो नहीं है तो ये एक्टिवेट कैसे करोगे इसको? और जब ये नहीं है तो एक्टिवेट नहीं होगा तो ये काम कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। ये प्रॉब्लम होती है प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, जो एंजाइम्स नहीं बनते, और एंजाइम्स नहीं बनते जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और कॉन्सिक्वेंटली डिजीज होती है। अब ये देखिए, अगर ये ना होना तो क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमारी बॉडी के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये एंजाइम काम नहीं कर रहा है। अब क्या होता है, देखिए मैं यहां से रब कर देता हूं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर आप जो जानिए क्या होता है उसकी वजह से, कैसे कैंसर होता है, एग्जैक्टली कैंसर कैसे हो रहा है वो जानिए। अब ये सुपर ऑक्साइड आयन बहुत ही ज्यादा डेंजरस आयन है। अगर ये सुपर ऑक्साइड आयन के अगर ये इसको खत्म करने के लिए अगर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नहीं है तो ये सुपर ऑक्साइड आयन, क्लियर, सुपर ऑक्साइड आयन ये फर्दर रिएक्ट करता है, चैन रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में कुछ रेडिकल्स बनाता है। देखिए रेडिकल्स, कुछ ऐसे रेडिकल्स होते हैं, ये रेडिकल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आपकी जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने बोला H2O2 एक्टिव है बिकॉज H2O2 रेडिकल से बना हुआ होता है। अगर ये एंजाइम, ये अगर सुपर ऑक्साइड आयन रह गया, ये बेसिकली एक रेडिकल की तरह बिहेव करता है और रेडिकल की तरह बिहेव करके ये कुछ भी कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कुछ भी कर सकता है। तो सुपर ऑक्साइड आयन को अगर डिसम्यूटेज नहीं किया गया, अगर उसको खत्म नहीं किया गया तो ये कुछ भी कर सकता है। अब वो कुछ भी क्या कर सकता है उसको समझिएगा। देखिए Either it will attack to upper side or it will attack to center side. Are you getting my point? Either it will attack to the upper side or it will attack to the bottom. Central side. Okay? Attack कर सकता है. और
अब अटैक करेगा और अटैक करके कैसे करेगा उसके साथ मैं पहले एक लाइन बता देता हूँ, फिर अटैक के बाद क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सुपर ऑक्साइड आयन नो डाउट वेरी डेंजरस होता है, और एक चीज और है, मैं पहले एक लाइन बता देता हूँ, उसके बाद आपको अटैक के बाद क्या क्या होने वाला है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फॉर एन एग्जाम्पल ये अगर डिसम्यूटेज है भी तो डिसम्यूटेज होने के बावजूद भी अगर डिसम्यूटेज है भी और इसको H2O2 में कन्वर्ट भी कर दिया तो ये H2O2 में कन्वर्ट भी कर दिया, लेकिन इसको कैटालेज एंजाइम नहीं मिल पाया, तो ये H2O2 कुछ फ्री आयंस के साथ में रिएक्ट करता है, और फ्री आयंस के साथ में रिएक्ट करने की वजह से कुछ रेडिकल बनाता है जिसे हम बोलते हैं OH रेडिकल। देखिए सेम मैंने आपको वहां बताया था कि अगर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नहीं है उस केस में भी ये जो सुपर ऑक्साइड आयन है ये OH रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और थोड़ा अच्छे से बनाया तो एरो, जब अच्छे से पढ़ रहे हैं तो एरो भी अच्छे से बनाएंगे, और ये H2O2 जो कैटालिस की तरह काम कर रहे हैं, कैटालिस की जो H2O2 को जब ही कैटालिस उसको लाइक उसको डिग्रेड कर रहा है या कैटालिटिक एक्टिविटी के टाइम उसको खत्म कर रहा है, देन OH रेडिकल बनेगा। दोनों टाइम पे OH रेडिकल बनेंगे अगर डिसम्यूटेज है या नहीं है, अगर डिसम्यूटेज एंजाइम नहीं है तो भी ये OH रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और स्टिल अगर इसमें कैटालेज एंजाइम नहीं है तो भी OH रेडिकल में कन्वर्ट होगा, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द कैंसर। दिस प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोक्सिल रेडिकल दिस इज द रीजन ऑफ द कैंसर। इसको खत्म करने के लिए ही ये दोनों एंजाइम्स काम करते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि बॉडी के अंदर हाइड्रोक्सिल रेडिकल ना बने, वो चाहते हैं कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल बॉडी के अंदर ना बने, ये उसका रीजन है। ओके ये उसका रीजन होता है कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल बॉडी के अंदर ना बने। सो अब हम चलते हैं आगे की साइड में। अब सोचिए हाइड्रोक्सिल रेडिकल बन गए हैं, कुछ नहीं कर पाए, हमने प्रोटीन नहीं लिया, कुछ डाइट प्रॉपर नहीं ली, अब ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल रिएक्शन भी हो गई है, अब ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल इट रिएक्ट ऑन दिस साइड और इट मे रिएक्ट ऑन दिस साइड, मतलब मैंने पहले बोला था ना ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जा सकता है कहीं, और इसके अलावा भी बहुत जगह जा सकता है, लेकिन मैं दो इंपॉर्टेंट सोर्स बताऊंगा, या ऊपर जाएगा तो क्या होगा और नीचे जाएगा तो क्या होगा। अब मान के चलिए ये भाई साहब मन कर रहा है चलो आज नीचे चलते हैं, दो डायरेक्शन है एक्स वाई, पहले चलो वाई के साइड में चलते हैं, मान के चलो वो जाता है और डीएनए के साथ रिएक्ट करता है। डीएनए पता है क्या आपको क्या करता है, आपने सुना होगा कैंसर क्या होता है, जब हमारी सेल कंटिन्यूअसली विदाउट एनी कंट्रोल ग्रोथ करती है जिसकी वजह से ट्यूमर बनता है, और दिस इज अ कैंसर, हमें पता है कैंसर का दिस ये रीजन है। अब तो इट मीन सेल्स को लाइक कोई तो रीजन होता है कि जिसके सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर दी, अपना मन थोड़ी ना कर रहा है आज चलो मैं कंट्रोल डिवीजन नहीं करती, ऐसा नहीं करते ना, उस सेल्स को डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए डीएनए होता है। डीएनए इज अ बॉस ऑफ द सेल, डीएनए इज अ फादर ऑफ द सेल, डीएनए इज अ बॉस ऑफ द सेल, डीएनए इज अ डॉन ऑफ द सेल। डीएनए कहेगा आज तुझे दो टाइम डिवाइड होना है तो दो टाइम डिवाइड हो, तुझे आज चार टाइम डिवाइड होना है तो फोर टाइम डिवाइड हो, से एट टाइम डिवाइड होना है तो एट टाइम डिवाइडेड हो, मतलब दिस वो कंट्रोल करता है। लाइक सेल, सेल का डिवीजन एक रोबोट की तरह काम करता है जिसका मेन पावर है रोबोट के साथ में, ओके जिसका मेन पावर है डीएनए के, डीएनए चाबी भरता है वैसे काम करता है। ये OH रेडिकल इसके पास में गया, डीएनए के पास में ये डीएनए होता है, ये OH रेडिकल इसके पास में गया, और जैसे ही ये डीएनए है और OH रेडिकल, मैंने पहले भी बोला था OH रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज, नॉट एग्जैक्टली नॉट एमी कह सकते, टॉप लेवल पे आता है, बट
इसकी प्रायोरिटी बहुत टॉप प्रायोरिटी रेडिकल्स में आता है। ये बहुत जल्दी अगर आपके हाथ में भी वो एच रेडिकल आ जाए, SO2 आ जाए, या फिर आपके जब आप मेरे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बाद में बताऊंगा, कभी इन केस आप ऐसे कोई रेडिकल के कांटेक्ट में आ जाए तो आपकी पूरी बॉडी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, वो स्किन डैमेज करने के चांसेस, स्किन को बहुत जल्दी डैमेज करता है। ओके, इसलिए कभी कभी आप जब बेसिकली गर्ल्स या फिर कोई भी पर्सन जब हम लाइक मेकअप करते हैं, लाइक हम बॉडी लोशंस लगाते हैं, टैल्कम पाउडर लगाते हैं, और जब सन में जाते हैं तो सन में देखिएगा आपको कभी कभी जलन फील होती है, वो जलन फील जो होती है वो इसके प्रोडक्शन की वजह से होती है। तो ये क्या करता है, OH रेडिकल DNA के साथ रिएक्ट करता है और इसको डैमेज कर देता है, DNA डैमेज हो गया, DNA हमारा डैमेज हो गया। अब जब DNA ही डैमेज हो गया है तो सेल को ऑर्डर देने वाला बॉस खत्म, सोल्जर इधर उधर बिखर जाते हैं, सेल्स बिखर जाती हैं, सेल को कोई कंट्रोल कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो सेल डिवीजन करते कंटिन्यूअसली डिवीजन करती है, कंट्रोल करने वाला तो कोई है ही नहीं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्सी रेडिकल। और एक बार हाइड्रोक्सी रेडिकल DNA से डिग्रेड कर लिया, DNA से रिएक्ट कर लिया, उसके साथ में रिएक्ट कर गया, 100% DNA डैमेज हो जाएगा, 100% DNA डैमेज, DNA डैमेज कह सकते हो, DNA डीनेचर, ओके, बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। और चलो ये भाई साहब ऊपर चले गए, उन्होंने एक्स डायरेक्शन पकड़ ली, तो क्या होगा, क्या होता है, ये एक्स डायरेक्शन में ये OH रेडिकल जब ऊपर की तरफ जाता है तो लिपिड के मेम्ब्रेन को, मैंने बोला था ना लिपिड की बनी होती है, लिपिड की जो आवरण होता है, लिपिड को जिसमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है, ये लिपिड को, ये जो लिपिड है ये इसको भी जाकर डैमेज कर देता है, इसको साथ में गया और OH रेडिकल गया इसके साथ में, चेंज कर देता हूं, ओके, इसके साथ में गया और इसको तबाह कर दिया, डैमेज। अब ये तो कोलेस्ट्रॉल है, ये तो कोलेस्ट्रॉल है, अब ये कोलेस्ट्रॉल डैमेज हो गया तो कहीं तो जाएगा। अब ये जैसे इसके साथ में रिएक्ट करता है तो होता क्या है, इस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, इस रिएक्शन की वजह से जैसे मैंने बोला इसको डैमेज कर दिया, ये चलो डैमेज हो गया, डैमेज हो गया। अब ये डैमेज होने की वजह से ये जो कोलेस्ट्रॉल है, अब ये कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल में, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है आता है और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं और उनमें जाके डिपॉजिट हो जाता है, हमारे जाके उनमें डिपॉजिट हो जाता है, और जब ये डिपॉजिट होता है तो डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड प्रेशर, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जब ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ता है सो चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। ओके, ये है रीजन। इसके अलावा डायबिटीज सेम प्रॉब्लम, जब हमारा पेनक्रियाज बेसिकली जब काम नहीं कर पाता तो इंसुलिन हार्मोन नहीं क्रिएट होता, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है उसके बेसिकली ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, और जब उसकी सेल्स ही काम नहीं करेंगी, सेल्स ही डैमेज हो जाएंगी तो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा। सेम रिएक्शन, दिस इज द सेम रिएक्शन जो मैंने बताया इनकी ना होने की वजह से, सेम हाइड्रोक्सी रेडिकल आपकी हाइड्रोक्सी रिएक्शन, सेम वही जाके वो सेम वही काम करती है, पैनक्रियाज में जाती हैं और उसके इंसुलिन हार्मोन के प्रोडक्शन को रोक देती हैं, और जब सेल्स ही डिग्रेड हो गए तो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनाए क्योंकि सेल ही बना दिए, और जब इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा तो ब्लड में शुगर का कंट्रोल नहीं बन पाता, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, और जब नहीं कर पा रहे तो ऑटोमेटिक डायबिटीज हो जाता है। सारी प्रॉब्लम, ईच एंड एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दिस गाय विद फूड। देखिए मेरा पर्पज आपको डराना नहीं है, मेरा पर्पज सिर्फ आपको उसका सिग्निफिकेंस बताना है, और अगर आपको फिर भी डर लगता है तो ऐसे काम ना कीजिए ऐसे जिसकी वजह से आप परेशान हो, आपके पेरेंट्स परेशान हो, आपके वेल विशर्स, आपके फ्रेंड्स और आपके चाहने वाले आपको परेशान हो।
सो इसलिए आपका टाइम आपके साथ में है, कभी कोई भी चीज़ टाइम के साथ ख़राब नहीं होती है। टाइम कभी भी किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि टाइम ख़राब है तो इसलिए हो रहा है। टाइम ख़राब नहीं है, हमारी डाइट ख़राब है। आप अपनी डाइट को चेंज कीजिए, डाइट को चेंज कीजिए, और अगर आप अपनी डाइट को चेंज करेंगे देन बहुत कुछ चेंज हो जाता है। एक चीज़ और है, मैं आपको शायद बताना रह गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको विटामिन्स के बारे में बताया था, ओके, विटामिन्स के बारे में बताया था। मैं ऐसे रब कर देता हूँ, ये तो अभी आप शायद आप समझ गए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने आपको जो हाइड्रोक्सी रेडिकल बताया था, स्टिल इस हाइड्रोक्सी रेडिकल को कंट्रोल करने के लिए एक और मैकेनिज्म होती है कि अगर चलो हाइड्रोक्सी रेडिकल बन ही गया है, फिर भी हमारी बॉडी एक तरीके से हाइड्रोक्सी रेडिकल को ख़त्म कर सकती है। वो क्या, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई प्रॉपर क्वांटिटी में है, तो विटामिन जो ई होता है वो होता है विटामिन जो ई होता है हमारा लिपिड सॉल्यूबल। और जब विटामिन ई के लिपिड सॉल्यूबल होने की वजह से ये जब कभी हाइड्रोक्सी रेडिकल इसको डैमेज करने आएगा तो विटामिन ई अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। और जब ये विटामिन ई इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये बिल्कुल शांत हो जाता है, मतलब ये अपनी रिएक्टिविटी बंद कर देता है, मतलब शांत हो गया, अब ये कोई डैमेज नहीं कर रहा है। अगर विटामिन ई आपकी बॉडी में है देन इट हैपन, और इस ध्यान रखिएगा ये लिपिड की बनी हुई है, तो इट मीन विटामिन ई भी आपके लिपिड सॉल्यूबल है, तो इजीली अटैच हो सकता है। और अगर आप सोचेंगे कि विटामिन ई ऑक्सीडाइज हो गया, तो उसके लिए विटामिन सी क्या करता है, वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इस विटामिन सी वो ऑक्सीडाइज हो गया, ओके, तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बॉडी में मैकेनिज्म ऑलरेडी हमारी लीवर में चलता है। लीवर हमारा ऑलरेडी ऐसे कोफैक्टर बनाती है जिसकी वजह से विटामिन सी को, कोफैक्टर का नाम होता है एनएडी, वो कोफैक्टर बनाती है जो विटामिन सी को रिन्यू कर सकता है, लेकिन बनाता कभी नहीं है। याद रखना, हमारी बॉडी विटामिन सी और विटामिन ई कभी नहीं बनाती है, जस्ट विटामिन सी को रिन्यू करती है। तो इसलिए ये दोनों अगर आपके बॉडी में है, आपके फूड में है, देन आप इन रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप विटामिन सी है, विटामिन सी गुआवा लाइक ऑरेंज, लेमन में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, विटामिन ई ऑयल्स में, आलमंड्स के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, इसलिए इवन मिल्क में भी होता है विटामिन ई। तो अगर आप ये बैलेंस डाइट रखते हैं देन आप इस सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ओके। शायद इतना काफ़ी होगा समझाने के लिए आपके लिए, तो प्लीज़ समझिए, अपनी दुनिया के बारे में जानिए, अपने बारे में जानिए, अपनी हेल्थ को पहले प्रेफरेंस दीजिए, सब कुछ बाद में, फर्स्ट इज़ योर हेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही है देन सब कुछ सही है, ओके। सो अगेन मैं कहता हूँ बेटा, मेरा डराने का कोई पर्पज़ नहीं है, सिर्फ समझाना आपका मेरा पर्पज़ था, ओके। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। फिर अपने जो दोस्त के बारे में डिस्कस किया था, उससे आलोक के बारे में, मैं क्यों बता देता हूँ आपको, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं था, मैंने जस्ट एक कहानी आपके लिए बनाई थी जिसमें मैं आपको आलोक की जगह रख सकूँ। तो शायद जब आपने इसको कहानी को सुना होगा तो शायद आज आप सब में उस आलोक को आपने फील किया होगा, ओके। बस यही पर्पस था मेरा ये समझाने का। सो डरिएगा मत, अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई आलोक आप ना बन पाए, ओके। और अगर कोई आलोक नाम का कोई पर्सन वीडियो को देख भी रहा है, सो रियली सॉरी, आपका नाम मेरा यूज़ इस पर्पज़ से मैंने यूज़ नहीं किया, ओके, तो सिर्फ समझाने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो चलो, आप ये वीडियो को देख के जरूर उसको समझिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, ओके। चलो आपसे हम चलते हैं, विदा लेते हैं, शायद आपके लिए यहाँ तक काफ़ी कुछ सही था, ओके। सो मिलेंगे फिर आपसे हम अगेन हमारे रियल वीडियोस में, जो हमारे नेट के लिए है, द लिविंग वर्ल्ड, ओके। प्रोबेबली आपको कल हमारा वीडियो मिल जाएगा लिविंग वर्ल्ड के बारे में। चलो, एंड थैंक यू सो मच अगेन, आपसे विदा लेते हैं हम, नमस्ते, थैंक यू।